हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो अगर आप कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका मेन सब्जेक्ट कॉमर्स हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा दो तरह का सिस्टम होता है, जनरल एंट्री का या फिर अकाउंटिंग का हम बोल सकते हैं। एक आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और दूसरा आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। तो जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग होता है आपका, उसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम केवल पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस के जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम मेंटेन करते हैं आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में। इसीलिए हम इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर्टीज, एसेट्स और एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं, केवल पर्सनल अकाउंट्स को ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।